सोनभद्र में आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जमीनी विवाद में हुए नरसंहार वाले घोरावल ब्लॉक के उंभा गांव में पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने नरसंहार में मारे गए 10 मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए 9 लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। बीती 20 जुलाई को प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर में जमीनी विवाद में हुए नरसंहार के पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया था। इसी के क्रम में आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने नरसिंह घाट से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खड़गे ने कहा कि प्रियंका गांधी किसी कारणवश नहीं आ पाई है, लेकिन उन्होंने मदद का आश्वासन दिया था, इसी को पूरा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब यह पूछा गया कि केवल 9 लोगों को ही मदद क्यों दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में हम बाकी बचे घायलों को भी मदद देने पर विचार कर सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय, पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी व अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो आज उन्होंने वो उस दिन लोगों से मिल के उन्होंने सब लोगों से ये पीड़ितों से बात की थी, परिजनों से। आज वो वादा था वो पूरा करने का था। आज हम उसको वो ऑलरेडी मिले हैं उनसे, तो उसको पूरा करने के लिए आज हमें भेजा। प्रियंका जी से बाकी भी यहाँ के गांव वाले और पीड़ित मिलना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो उनसे मिलकर के अपना दुख दर्द बताएंगे। तो प्रियंका जी कब तक आएंगी इस गांव में? क्या वो आना चाहेंगी या आप लोग को ऐसा कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम कर रख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर इस गाँव में गाँव के लोगों को, बहुत से लोगों ने उनसे मिले हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पे वो यहाँ का भी दौरा इस क्षेत्र का करेगी और इस यहाँ के जो लोगों की जो भी समस्या है उनके बारे में उनसे जान रूबरू हो जाएगी, उनसे संवाद भी करेगी। कुल कितने लोगों को चेक दिया है अपने घायल और मृतक मिलाकर? यहाँ जो मृतक है वो मृतक के 10 परिवारों को अभी चेक दिया है पार्टी की तरफ से, और जो गंभीर घायल है उनमें से 9 लोगों को अभी यहाँ चेक दिए हैं। और भी घायल थे जो है गंभीर के अलावा भी घायल थे, तो उनकी मदद नहीं किया आपने? जैसे कि अगर आज यहाँ भी आके कुछ जानकारी मिल रही है कि और भी कुछ गंभीर घायल है, उनकी हम जानकारी ले रहे हैं। उन लोगों को भी हम पार्टी की तरफ से उनका निर्देश है कि उनको भी हम सहायता पार्टी की तरफ से करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।